तो एक 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 मतलब एक शेर सुनाता हूँ कि खुददारी की बात हम कुछ यूं करते हैं कि खुददारी की बात हम कुछ यूं करते हैं, हम शेर हैं पूरे जंगल पे राज करते हैं। कि खुददारी की बात हम कुछ यूं करते हैं, हम शेर हैं पूरे जंगल पे राज करते हैं। और जिन्हें डर है दिल हारने का हम वहीं जाकर हुस्न का एतबार करते हैं। कि हम वहीं जाकर हुस्न का एतबार करते हैं और उसको भूले ही कब और उसको भूले ही कब जो हम उसको याद करते हैं। उसको भूले ही कब जो हम उसको याद करते हैं। कुछ इस तरह हम खुद को बर्बाद करते हैं। कि उसको भूले ही कब जो हम उसको याद करते हैं। कुछ इस तरह बस हम खुद को बर्बाद करते हैं। और मेरे घर का आईना अब मुझसे रोज है पूछता। और मेरे घर का आईना मुझसे रोज है पूछता, वो मिल जाए तुझे हम भी खुदा से फरियाद करते हैं। कि वो मिल जाए तुझे हम भी खुदा से फरियाद करते हैं। और एक 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 जो चीज़ है, मैं एक एक ज्वलन चीज़ सुनाता हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो मैं बहुत बार देखता था कि ये जो लोग सड़कों पर रहते हैं वो सड़कों पर जीवन भर रहते रह जाते हैं। गवर्नमेंट इतना काम करती, लोग भी इतना काम कर रहे हैं, हम तुम जैसे लोग भी समाज बहुत काम कर रहे हैं, फिर भी जो ज़मीन पर रहने वाला व्यक्ति बहुत कम चांसेस है वो ज़मीन से ऊपर उठ के आ पाता है। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना, वो सही लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं जिनको उसकी सच में ज़रूरत है। तो कुछ ऐसी कुछ चीज़ सुनाता हूँ कि लोग इश्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन इश्क को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करिए। क्या सुनिएगा कि अभिषेक बैठ जा मेरे भाई 2 मिनट, कि अब ना इश्क लिखूंगा ना गुलाब लिखूंगा, कि ना इश्क लिखूंगा ना गुलाब लिखूंगा, सरकार से सवाल हैं जिन्हें बेहिसाब लिखूंगा। कि ना इश्क लिखूंगा ना गुलाब लिखूंगा, सरकार से सवाल हैं जिन्हें बेहिसाब लिखूंगा। कुछ लोग यहाँ रातों में अब भी भूखे ही सोते हैं, कि कुछ लोग यहाँ रातों में अब भी भूखे ही सोते हैं। इस देश के मुफलिस को कैसे मैं नवाब लिखूंगा, किस देश के मुफलिस को कैसे मैं नवाब लिखूंगा। धर्म और जात पर लोग यहाँ अब भी लड़ते हैं, कि धर्म और जात पर लोग यहाँ अब भी लड़ते हैं। हिंदुस्तान एक है कैसे मैं ये ख्वाब लिखूंगा, कि धर्म और जात पर लोग यहाँ अब भी लड़ते हैं। हिंदुस्तान एक है कैसे मैं ये ख्वाब लिखूंगा। और हमको लड़ाकर कुछ लोग यहाँ, हर ग्रुप में भी ऐसे लोग रहते हैं कि तुमको लड़ा देंगे, अपना साइड में हो जाएंगे, लड़ो अब तुम जितना, तो ऐसे समाज में भी होते हैं। और हमको उनको पहचानना चाहिए। अगर उनको तुम पहचान नहीं पा रहे हो ना, तो अपनी जवाबदारी से तुम पीछे हट रहे हो। कि हमको लड़ाकर कुछ लोग यहाँ छुप कर बैठे हैं, कि हमको लड़ाकर कुछ लोग यहाँ छुप कर बैठे हैं। जिन्होंने आग लगाई है उनका हर नकाब लिखूंगा, कि जिन्होंने आग लगाई है उनका हर नकाब लिखूंगा। और आजकल क्या होता है ना, किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसके पास जवाबदारी है, वो अपनी जवाबदारी से बचने के लिए तुम पे क्वेश्चन कर देगा। तुम कहोगे ये रोड कैसे ख़राब है, वो कहेगा तुम बना दो आके। तुमको नाली में पानी भर गया तो उनको तुम साफ कर दो आके। तो ऐसे लोगों से क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, भले ही तुमसे कितने वो अनर्गल क्वेश्चन करें। तो वहीं से मैं अपनी बात में उठाता हूँ कि हमको लड़ाकर कुछ लोग यहाँ छुप कर बैठे हैं। जिन्होंने आग लगाई है उनका हर नकाब लिखूंगा, और सवाल के जवाब पर एक
नया सवाल आता है कि सवाल के जवाब पर एक नया सवाल आता है। ऐसे हर एक सवाल का मैं जवाब लिखूंगा और अखबारों में ही सब यहाँ केवल अच्छा ही अच्छा है कि अखबारों में ही सब यहाँ केवल अच्छा ही अच्छा है। चापलूसी ही ऐसे अखबारों का मैं खिताब लिखूंगा कि चापलूसी ही ऐसे अखबारों का मैं खिताब लिखूंगा और ना धर्म लिखूंगा ना मैं जात लिखूंगा कि ना मैं धर्म लिखूंगा ना मैं जात लिखूंगा। इंसानियत पर मैं एक मुकम्मल किताब लिखूंगा कि इंसानियत पर मैं एक मुकम्मल किताब लिखूंगा। और एक कुछ ऐसा ही है कि आप लोगों के टाइप एक चीज़ सुना देता हूँ, बहुत दिनों से मैंने उस सुनाया नहीं, वो मिल भी नहीं रहा मेरे को। ऐसा क्यों हो जाता है जब मैं कुछ ढूंढता हूँ तो जिंदगी ढूंढने का नाम हो गई है यार, क्या करा जाए। शौर पता नहीं, ऐसे टाइम पे कुछ चीजें मिलती नहीं है जीवन में, जो जिसको चाहता है ना उस तरीके से वो चीजें नहीं मिलती हैं। चलो एक जो चीज सुना देता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ अपनी जगह लेता हूँ। कि सुनिएगा कि मोहब्बत पे कुछ ऐसे ही कि पुरानी चीज है कि इश्क करते हो मुझसे इतना कि इश्क करते हो मुझसे इतना तो बताते क्यों नहीं। कि लड़की कह रही लड़के से कि इश्क करते हो मुझसे इतना तो बताते क्यों नहीं। आंखों में अगर मेरा चेहरा है तो दिखाते क्यों नहीं। कि इश्क करते हो मुझसे इतना तो बताते क्यों नहीं। आंखों में अगर मेरा चेहरा है तो दिखाते क्यों नहीं। मैडम को निकल जाने दो, कितनी भी अच्छी पोएट्री सुनो लड़की, निकलो सारा ध्यान उधर ही पहुंच जाता। कितनी भी अच्छी चीज तुम सुनाओ है, सुनो चाके। इश्क करते हो इतना तो बताते क्यों नहीं। आंखों में अगर मेरा चेहरा है तो दिखाते क्यों नहीं। और महफिलों में तो बड़े बड़े शेर सुनाते हो कि महफिलों में बड़ी बड़ी गजलें सुनाते हो कि महफिलों में बड़ी बड़ी गजलें सुनाते हो। दो एक शेर मेरे हुस्न पर सुनाते क्यों नहीं। दो एक शेर मेरे हुस्न पर सुनाते क्यों नहीं। और अरे कब से खड़े हो मोहब्बत के कुएं के पास कि कब से कि खिलौना भाई ये तुम्हारे लिए, तुम जो दो चार जगह घूम रहे हो आजकल समझे। कि अरे कब से खड़े हो मोहब्बत के कुएं के पास कि कब से खड़े हो मोहब्बत के कुएं के प्यास। जो इतने प्यासे हो तो प्यास बुझाते क्यों नहीं। कि जो इतने प्यासे हो तो प्यास बुझाते क्यों नहीं। और इतना दर्द है आंखों में फिर भी हंसते रहते हो कि इतना फकीरा कि इतना दर्द है आंखों में फिर भी हंसते रहते हो। मोहब्बत का मरहम हमसे लगवाते क्यों नहीं। इश्क करते हो इतना तो बता। और आखिरी चीज एक दो सुना के उठता हूँ, एक आखिरी सुना देता हूँ फिर उठता हूँ। कि शायद दो तीन चीजें उसमें आपको मतलब बता देता हूँ। कि उसमें एक है ताशुक, ताशुक शब्द होता है उसका मतलब होता है मोहब्बत। और एक एक, एक, एक शब्द आएगा आबे तल्ख, मतलब उसका मतलब आबे तल्ख मतलब होता है दिलचस्पी किसी में लेना। और एक आएगा रंजो गम, उसके साथ भी मैं बताते चलूंगा, एक बार पहले ही बता दूंगा आप लोगों को। रंजो गम का मतलब होता है गम। तो दो चार शेर सुनिएगा कि हर सुबह को अब मैं शाम कहता हूं। कि हर सुबह को अब मैं शाम कहता हूं। दर्द को ताशुक का अंजाम कहता हूं। कि दर्द को अगर मोहब्बत है और दर्द ना हो तो बेकार है जिंदगी, होना ही चाहिए, मतलब मस्त चीज है वो, होना ही चाहिए। कि हर सुबह को अब मैं शाम कहता हूँ। दर्द को ताशुक का अंजाम कहता हूँ।
और वो खड़ा मेरा सनम दिख रहा है उसको कि वो खड़ी है सामने, कि वो खड़ा मेरा सनम सुन ले मेरी इल्तजा, कि वो खड़ा मेरा सनम सुन ले मेरी इल्तजा, तेरा आशिक हूँ मैं अफसरे आम कहता हूँ, कि तेरा आशिक हूँ मैं अफसरे आम कहता हूँ, और हैं बहे आबे तल्फ शगफ में मेरे बहुत, कि हैं बहे आबे तल्ख कि हैं बहे आबे तल्ख शगफ में मेरे बहुत, इन मोतियों को इश्क का इनाम कहता हूँ, किन मोतियों को इश्क का इनाम कहता हूँ, और तुझने छोड़ा राहों में तो मैं गया तन्हा मगर, तुझने छोड़ा राहों में तो मैं गया तन्हा मगर, तब से खुद को उस खुदा का गुलाम कहता हूँ, कि तब से खुद को उस खुदा का गुलाम कहता हूँ, और है पुराना बर्तन मेरा, कि है पुराना बर्तन मेरा तो क्या है रंजो गम, जो चीज आपके पास है उसको उसी तरीके से खुश रहना सीखो, कि है पुराना बर्तन मेरा तो क्या है रंजो गम, मैं जलील कशकोल को अपना जाम कहता हूँ, कि मैं जलील कशकोल को अपना जाम कहता हूँ। बस आखिरी शेर सुना के खत्म करता हूँ कि ये जो तू है, कि ये जो तू है वो शायद तू नहीं, कि ये जो तू है वो शायद तू नहीं, और ये जो मैं हूँ वो शायद मैं नहीं, कि ये जो तू है वो शायद तू नहीं, ये जो मैं हूँ वो शायद मैं नहीं, और ये इश्क हर बार जीते, कि ये इश्क हर बार जीते जरूरी तो नहीं कि मिलेंगे इस तरह कि कभी तुम नहीं और कभी हम नहीं। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।